हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वह पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन राम मंदिर। आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, वहाँ पर मूर्ति स्थापित हो चुकी है राम मंदिर, राम श्री राम जी की, उनके बचपन के रूप की और प्राण प्रतिष्ठा के साथ। तो इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान वालों का क्या रिएक्शन है वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि वो लोग जल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, या उनकी क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है इस आज 22 जनवरी को लेके, तो वो देख लेते हैं। इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों की सजेशन पर रिएक्शन लेके आऊँ तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी को अयोध्या राम टेंपल के इनॉग्रेशन के हवाले से पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से इसके ऊपर बात की जा रही है। बहुत सी ऐसी खबरें, बहुत से ऐसे रिकॉर्ड अयोध्या राम टेम्पल के हवाले से सामने आ रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे अगर इंडिया में देखा जाए वहाँ पर टेक्नोलॉजी, इसरो की बात करें वो चांद पर पहुँच गए और चांद पर जाके स्पेस पर जाके इमेजेस ली जा रही हैं अयोध्या राम टेम्पल की, और बिल्डिंग ऐसी बनाई गई है कि ना उसमें स्टील यूज हुआ है ना ही आयरन यूज हुआ है। यानी कहीं ना कहीं वो मजहब को और वो टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान में बात करें, हमारे यहाँ पे कहा तो जाता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मजहब को बहुत ज्यादा उस तरीके से हम डिस्कस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली टेक्नोलॉजी में और मजहब में क्या हमने बैलेंस रखा है, क्या हम दोनों चीजों को साथ लेके चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान के मौलाना हजरात अयोध्या राम टेम्पल के हवाले से अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी कबीर अहमद। और आपका नाम? आमिर फारूक। आपका नाम? परवेज इकबाल। क्या करते हैं सर आप? सर मैं एक इको विलेज का डायरेक्टर हूं, एनवायरमेंटल डायरेक्टर हूं। ठीक हो गया। और आप क्या करते हैं? मैं भी डायरेक्टर हूँ इको विलेज, जो पाकिस्तान में हम पहली मरतबा यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक हो गया। और आप क्या करते हैं? जी ये इसी से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा सर, आप तीनों इकट्ठे हैं। मैं टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की अगर बात करें और साथ ही नेबर कंट्री है इंडिया, आज वहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है इसरो, मतलब उनका एक मंदिर बना है बहुत बड़ा राम मंदिर के नाम से, और वो स्पेस से उन्होंने उनके जो उनसे फोटोज ली हैं, इमेजेस ली हैं और बताया पूरी दुनिया को भाई हम टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं और मजहब की अगर बात करें तो उसको भी फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए हम मजहब की बात करते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी में उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली इस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अच्छा, जिसकी वजह से हम लोग पीछे हैं। ठीक हो गया। वाला फोकस ये है हमारा कि कंट्री की तरफ फोकस नहीं है, अपने इंडिविजुअल अपनी जातियात के ऊपर फोकस ऐसे ही है। हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है वो अपनी कुर्सी और उसके चक्कर में होता है। ठीक हो गया। जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं जा सकते। और वो अगर उनकी बात करें, वो मंदिर भी बना रहे हैं, वो मस्जिद भी बना रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहे हैं, वो लोग अपने कंट्री के साथ लायल है। तो आप, मैं तो अपने कंट्री के साथ लायल हूँ, आप नहीं लायल? लेकिन हमारी जातियात जो आ जाती है बीच में ना, हमारी जातियात। अच्छा, और भी आपसे क्वेश्चन करूंगा सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि वो देखें उन्होंने ये साबित किया इस टाइम मंदिर भी बनाया और ये साबित किया कि हम चांद पे भी हैं और दुनिया पे भी, इधर जमीन पे भी जो उनसे हम अपना वर्क कर रहे हैं, हर फील्ड में हम बराबर चल रहे हैं। अच्छा, इस मामले में तो मैं ये कहूँगा कि ये तो एक छोटा सा सेक्टर है। अच्छा, जिस साइंस का सेक्टर जिसमें आप तरक्की कर सकते हैं और पाकिस्तान में भी तरक्की हो सकती है इस तरह की, लेकिन यहाँ पे जो वर्क करेगा तरक्की, जो मस्जिद और मंदिर की बात की है तो वो तो यहाँ पे भी बन रहे हैं। ठीक है, वो मसला नहीं है। हमारे साथ मसला सारा यही है कि हम किसी अरेंजमेंट में नहीं है। पूरी वर्ल्ड में आप देखेंगे जहाँ पे रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं और उनको फॉलो किया जाता है, और वहाँ पे आप स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखते हैं और आवाम के अंदर जो है वो बूस्ट भी देखते हैं हर लिहाज से कि भाई वो कारोबार भी करते हैं, तरक्की भी करते हैं, और यहाँ पे नाइंसाफ़ी भी हो और सरेआम हो रहा हो और हर चीज़ यहाँ पे महंगाई पे देखें आप, यहाँ पे कंट्रोल कोई करने वाला नहीं है और हर बंदे के अपने अपने रेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपने एक बात सर की, आपने बोला कि भाई अगर वहाँ पे मस्जिद और मंदिर बन रहे हैं वो तो यहाँ पे भी बन रहे हैं। मुझे ये बताएं, पहले नंबर पे तो मंदिर की बात करें तो शायद नहीं बन रहे उस तरीके से, लेकिन मस्जिद की भी बात करते हैं, उन्होंने जो मंदिर बनाया उसमें ना स्टील यूज़ हुआ है ना आयरन, मतलब इसरो ने इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया है, हमारे यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी में इस तरीके से मस्जिद बनी है? देखें जी, यहाँ पर तो पुराने जो आपने जो हमारी मस्जिदें हैं जी, वो तो एक बड़ा शाहकार है उस दौर का, और फैसल मस्जिद की अगर बात, जी फैसल मस्जिद देखें और उसके पुराने जो पुरानी मस्जिदें हमारी, ठीक है, जैसे बादशाही मस्जिद है, तो इस तरह तो बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों पे हमारा कंसंट्रेशन करना या कोई अहमियत नहीं रखता। अच्छा, एजुकेशन के ऊपर अगर जो चीज़ इस वक्त रिक्वायर्ड है वो ये है कि हमें
हमें चाहिए इस वक्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये चीज़ है। और उसके लिए कैसे हमें चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे यहाँ जो है वो कारोबार चलें और आवाम की जो हालत है वो बेहतर हो, ठीक हो गया। उस तरफ अगर ध्यान हो तो मेरे ख्याल में ये सबसे अहम है इस वक्त, ये चीज है। देखें कहीं ना कहीं, जी जी सर जी, पाथवे जो होता है ना बेसिकली किसी भी चीज का, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं उसका पाथवे, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसका पाथवे होता है, ठीक है। असल में पाकिस्तान का पाथवे ही डिफाइंड नहीं है, ये चीज मैं शायद बात यही करना चाह रहा था कि हमारा विजन क्या है। विजन नहीं है, विजन नहीं है, हमारा पाथवे डिफाइंड नहीं है। फर्ज की एक सीढ़ी है, एक छोटी सी घर की सीढ़ी होती है, उसका पर्पज ये होता है कि आप आईज बंद करके उस पर चढ़े तो आप छत पे पहुंच जाएंगे, ठीक हो गया। तो पाकिस्तान का बेसिकली पाथवे ही नहीं है। तो ये पाथवे किसने देना था, ये विजन किसने देना था? देखें अगर इंडिया की बात करें, हमारे साथ ही उन्होंने सफर स्टार्ट किया ना 1947 में, आज वो चांद पे हैं, हम चांद पे क्यों नहीं? अगर मैं सिर्फ यही सवाल पूछूं, कोई विजन नहीं है ना, सोच नहीं है ना। हम असल में हमारा जो भी बदकिस्मती से जो भी आता है ऊपर जिसके पास सीट होती है वो यही सोचता है कि बस कितने पैसे बनाने, जेब में डालने, इस पाकिस्तान के बारे में कोई नहीं सोचता। शायद यही वजह है कि देखें आज इस हम कंडीशन में मौजूद है ना, और आज हम दुनिया की एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने, काश कि अगर हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो उनसे पावरफुल लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर काम करती, पाकिस्तान के ऊपर काम करती, तो शायद दुनिया के दूसरे कंट्रीज में हमारे बारे में डिस्कस किया जा रहा, आज हमारे बारे में क्या डिस्कस किया जाता होगा दूसरे कंट्रीज में आपके ख्याल से? फर्ज किया बंगाल है, बंगाल के बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश छोटा सा एक, मतलब हमारे हमारा हिस्सा था, एज बहुत छोटी है, लेकिन उन्होंने किया कि एक पाथवे डिफाइन किया, उन्होंने एक फोकस किया, ठीक है, हमने यहाँ पहुँचना है। उन्होंने बोला जो मजहबी लोग हैं वो मस्जिदों तक रहे, जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिक्स के ऊपर वर्क करें। सेम इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी हर चीज भी बन सकती है, ऐसे ही ग्रोथ कर सकती है, लेकिन यहाँ पे बीच में जो कमीशन का जो एक इशू है ना, जो बिजनेसमैन है वो बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को जानते हैं कि जो कमीशन का एक मामला है यहाँ पे कि आप किसी वो बेहतरी की तरफ नहीं आ रहा, कमीशन यहाँ से माइनस कर दिया जाए ना तो आप मुल्क तक ही, ठीक है। आप भाई इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी आपसे भी पूछता हूँ, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे मुझे बताएं? सबसे पहले तो ये बताएं, जो उन्होंने मंदिर बनाया है उस हवाले से पूरी दुनिया में इस टाइम बात चल रही है कि भाई एक तो स्पेस से उसकी फोटोज इमेजेस लिए गए हैं, दूसरे नंबर पे ना उसमें आयरन ना उसमें स्टील यूज किया गया, और कई सालों तक, कई हजार साल तक जो है उसे रेनोवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी टेक्नोलॉजी वो इसके अंदर भी लेके आए। असल में हकीकत तो ये है कि यहाँ पे हम भी अगर इसी तरह के काम करें तो हमारे लिए भी फायदा मंद होगा। देखिए और इन्होंने जो बात की है, आप जो अभी बात करने लगे थे, उसकी बात ये है जी जी कि मैं खुद एक आलम दीन हूँ, दर्शन निज़ामी मेरा मुकम्मल है, जबरदस्त, लेकिन मैंने चूज बिजनेस किया है, अच्छा, क्योंकि मईशत को मजबूत करने के लिए सबसे पहले जरूरत किस चीज की है जिसकी वजह से आदमी अपने इकॉनमी की अपने पाओं पे खड़ा होता है, फिर उसके अलावा सिर्फ मस्जिद और मदरसे तक महदूद, सिर्फ हमारा इलम हमें इस चीज़ की तरकीब नहीं देता। मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों से बात करके कि देखें जो इस चीज़ आलम दीन है, लेकिन शुक्र है कि वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि भाई हमें दुनिया में, लेट्स सपोज हम टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगे, आईटी पे वर्क करेंगे, तो उससे भी पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट ये बना दिया गया जी पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना तो बस जी ये मजहब और ये चीज़ें, ठीक है। अच्छा, जो आपने क्वेश्चन किया था कि लोग हमें क्या किस नज़र से देखते हैं, डिस्कस क्या करते हैं, अच्छा मेरा चूँकि मैं इंटरनेशनली भी मैंने मूव किया है, अच्छा। और मेरा एक्सपीरियंस है एक साइंटिस्ट के साथ वर्क करने का, अच्छा। तो उस वक्त जो बातें होती थी वो ये थी कि मैंने क्वेश्चन किया कि कौन सी वो कौमें हैं जो सबसे ज़्यादा क्लेवर हैं, इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। तो आप यकीन करें कि मेरे साथ नॉर्वे के थे साइंटिस्ट और अमेरिका के थे और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के थे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ द टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट कंट्री, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि दैट इंटेलिजेंस इज नॉट बीइंग यूज्ड ऑन द प्रॉपर पॉजिटिव वे, ठीक है, पॉजिटिव और प्रॉपर चीज़ों पे इस्तेमाल नहीं हो रही, और उस वजह से हमारा जो जितनी इंटेलिजेंस है वो इस वक्त तो टोटल पॉलिटिकल जो हमारा सिचुएशन है उसको हैंडल करने में इस्तेमाल हो रही है, और वो भी इस वक्त हम जो पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की वजह से मशहूर हो रहे हैं। इससे पहले ये बात देखें, उन्होंने इंटरनेशनल विजिट किया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा टूर किया है, तो वो ये बात करेंगे भाई पूरी दुनिया में इस टाइम ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी चलाक तो हैं, इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन वो फ्रॉड करने में इंटेलिजेंट हैं। ये मेरे लिए शर्म वाली बात है, ये मेरे लिए दुख वाली बात है। नहीं, आज जो है अब तो हम फ्रॉडुलेंट ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं, अच्छा। कि हमारे यहाँ चूँकि एक तो हमारे अखबारों में अपने जितने भी हमारे जो मीडिया है उसमें सिर्फ जो डिस्कशन चल रही है मास वाई पॉलिटिकल हमारी जो एक दूसरे के ऊपर जो कर रहे इल्ज़ाम की वजह से और अपने ही ऐप को आयां करने की वजह से हम पूरी दुनिया में सिर्फ ये मशहूर हैं, बल्कि चोर तो हमारी पूरी वर्ल्ड में
कि चोर चोर ही कह रहे हैं, तो वो ये नहीं कि किसी एक पॉलिटिशियन को कह रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो है ये चोर के वर्ड्स टैग लग गए, ठीक है। और अगर नेबर की बात करें, उनका क्या टैग है इस टाइम पे, इस टाइम जैसे वो दुनिया की पांचवी इकॉनमी बन गए बड़ी, अपने लिए वो बेहतर है, ठीक है, अपने लिए सोचते हैं, तो अपने लिए सोचना है ना, हमें चाहिए हम अपने लिए सोचे, हम अपने लिए नहीं सोचते ना, ठीक है, हम अपने इस कंट्री के बारे में नहीं सोचते, हमारे हमारे पास ट्रैक, हमारी जनरेशन के पास ट्रैक ही नहीं है, ठीक हो। अच्छा, ये ट्रैक किसने देना है? स्किल होता है हर बंदे के अंदर, स्किल के साथ अगर ट्रैक मिल जाए ना कि किधर जाना है, फिर तो फिर बंदा ग्रो, फिर पाकिस्तान कंट्री भी ग्रो करेगा, और फिर उससे उस इंडिविजुअली भी फायदा होता है, कंट्री को भी फायदा होता है। जी, असल में मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में पहली मरतबा ना हमने एक ट्रैक दिया है आवाम को सस्टेनेबल कम्युनिटी पे, ठीक है, तो उस हवाले से हम ये कह रहे हैं कि अगर बिलफर्ज हर आदमी इस टाइम सस्टेनेबल कम्युनिटी की तरफ जाए, ठीक है, और खुद हर चीज मतलब पाकिस्तान के अंदर खुद से करने की कोशिश करे, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट किया जाए, अपनी टेक्नोलॉजी को, आवाम भी जो है ना, आवाम आवाम ये सोचती है कि ये मुल्क ही करके हमें दे, हमने खुद ना, हम बैठे हैं, जिससे भी पूछे जी पाकिस्तान आज इस कंडीशन में उसका जिम्मेदार कौन है, आंखें बंद करके कह देंगे जी वो गवर्नमेंट या कुछ इदारों का नाम ले लेंगे, हम गवर्नमेंट के ऊपर थोपते हैं हर चीज, बिजली देगी गवर्नमेंट देगी, गैस देगी गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट ने पानी नहीं दिया, हम अपने मजहब को भी काफी हम जो हमें यूज किया जाता है, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हर चीज में हमें वो मजहब डाल दिया जाता है, वो तो खुशकिस्मती से हम मुसलमान पैदा हो गए, ठीक है, अदरवाइज मुसलमानों वाले मामला हमारे अंदर कम ही है, ठीक है ना, हम लोग आराम परस्त हैं, सुस्त हैं, ठीक है, मतलब हम लोग एक अपना काम किसी और पे रख देते हैं कि वो करेगा तो मुझे बेनिफिट, ठीक है, या अपनी खामियां किसी पे डाल देते हैं कि वो गलत है उसकी वजह से ऐसा हुआ। अच्छा, मतलब आप तो आलमे दीन है, आलमे दीन है, जी हाँ जी जी, सिर्फ दीन मस्जिद और मदरसे तक महदूद नहीं है, ये बात याद रखें, मस्जिद में और मदरसे में हमारा जाने का मेन मकसद ये होता है कि ये दुनियावी जो जिंदगी है और ये जो हम दुनियावी काम कर रहे हैं इसके अंदर भी दीन को लाया जाए, मसलन मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दीन को इस तरह लाऊं कि उस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमें बताया कि कारोबार यूं करें, ताजर यूं होंगे, ताजर यूं होंगे, सच्चे ताजर। अच्छा, क्या हमारे मजहब में ये नहीं है कि आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना है, आपने आईटी के ऊपर वर्क करना है, ये है ना, क्यों नहीं है? अच्छा, आलम दीन, एज ए आलम दीन क्या कहना चाहेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, कि अगर पाकिस्तान में कोई मस्जिद बनती है, मंदिर बनता है, या इंडिया में जैसे भी मंदिर बना है, उन्होंने जैसे टेक्नोलॉजी को यूज किया, आप क्या कहते हैं मंदिर बनना ठीक है और फिर टेक्नोलॉजी? देखें, ये मंदिर बनने वाली जो बात है, मैं तो मजहब की आजादी है, ये देखिए, देखें हम अगर मुसलमान हैं जहाँ पे क्या कहते हैं, सिर्फ हम जिस तरह मुसलमान नहीं हिंदू भी रहते हैं, मस्जिद तो बना ली शबर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन ना सके, हम सिर्फ क्या मस्जिद तक ही महदूद ना रहे, ठीक है, सिर्फ मस्जिद तक, जिसका जो मजहब है उसे आजादी दें, जिसका जो मजहब है उसको वो आजादी दें, बाकी ये टेक्नोलॉजी पे क्या कहते हैं उलमा इकराम का भी काम है, और जिस तरह हम कहते हैं आवाम का फला आदमी कर रहे हैं, फला यूँ कर रहे हैं, उलमा इकराम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मदारिस के अंदर, में मदारिस के हवाले से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में तकरीबन वफाकुल मदारिस के जो तहत जितने भी इदारे आ रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 हज़ार यही होंगे पाकिस्तान में, क्या आप ये बताएं क्या हर मदरसे के अंदर कंप्यूटर सिखाया जाता है इस टाइम? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, और साइंसी हवाले से भी टेक्नोलॉजी PhD करवाई जाती है, ठीक है, और मुख्तलिफ वो स्किल्स कि जो आम इदारे भी शायद आपको पाकिस्तान के चंद इदारे ही दे रहे हैं, ठीक है, एक मदरसे एक ही छत के तले इंसान दीन भी सीख रहा है, दुनिया भी सीख रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें एजाज है, असल है, इनकी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी, अपने उलमा इकराम को कहा करता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं उनसे कहा करता हूँ कि आप सिर्फ मस्जिद मदरसे से महदूद ना रहें, बल्कि आए दुनिया में आए, एक आलम दीन हो और साथ साइंसदान भी हो, एक आलम दीन हो साथ PhD भी हो, एक आलम दीन हो साथ डॉक्टर भी हो, एक आलम दीन हो और साथ दुनियावी हर मामला बिजनेसमैन भी हो, अच्छा, ठीक है, ये सब सरमीन चीज़ों की तरफ अक्सर उलमा इकराम को भी ला रहा हूँ, ठीक है, मेरी हमेशा जब भी मीटिंग्स होती हैं, जब उलमा इकराम के साथ बैठना होता है, मैं हमेशा इसी की तरफ इस चीज़ की तरफ ला रहा हूँ, इनसे बात करके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद वाकई में अब हमारे मदरसों में एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जा रहा है, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि भाई हम मस्जिद बनाएंगे तो मंदिर भी, जिसकी जो आज़ादी मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो कहते हैं ओहो मंदिर तो तोड़ देंगे, ओहो ये नहीं तो वो, लेकिन देखें मंदिर वो उनकी मजहब की जब आज़ादी है तो अपने मजहब के मुताबिक जो करते रहें, हमारा अपना मजहब ये है कि हम दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें,
जो अल्लाह के हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। अगर बिल फर्ज वल माल हम इन चीजों से हट के हम उनके पीछे पड़ जाएंगे तो फिर अपनी तबलीग को हम नुकसान करेंगे, अपना नुकसान जो कि शायद हमने इतनी देर किया। मैं क्या कहना चाहेंगे, देखें बड़ी हेल्दी सी डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है और बड़ा अच्छा मुझे इनसे बात करके लगा। उन्होंने बोला आलम दीन हूँ लेकिन अगर हम मस्जिद बना रहे हैं, कोई मंदिर बना रहा है तो उसकी अपनी मर्जी है, मजहबी आजादी है, ऐसी सोच होगी। हमें टेक्नोलॉजी इन चीज़ों से आगे निकल कर टेक्नोलॉजी पर वर्क करना है, हमें एजुकेशन के ऊपर वर्क करना है, हमें ये देखना है कि हमने दुनिया में अपना नाम कैसे बना। जी राम मंदिर को लेके शोएब ने जो क्वेश्चंस रखे हैं तो उनके पास जो आज बंदे आए हुए हैं जो पब्लिक के, वो बहुत एजुकेटेड से तो लग रहे हैं और वो मानते हैं कि भी हाँ इंडिया तरक्की कर रही है, इंडिया मजहब को आज़ादी दे रही है ना। इंडिया मतलब क्या है कि जो मस्जिद है वहाँ पे, इंडिया में जो मस्जिद है वहाँ पे वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन देती है, प्रॉपर एजुकेशन देती है, प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं है जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि भी आप सिर्फ गलत ही रास्ता दिखाए जा रहे हो, सिर्फ मस्जिद मस्जिद नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर बोल रहे हैं कि अगर आपको मस्जिद मतलब आप मुसलमान हो तो आपको फ्रीडम है, आप वहाँ जा सकते हो है ना, मस्जिद में जा सकते हो, कोई दंगा फसाद नहीं होता है ऐसा। और राम मंदिर को लेके वो कह रहे हैं कि भी उसमें कोई आयरन या कोई स्टील नहीं है, और मतलब हमारे बंदे चांद पे भी जा चुके हैं और वहाँ पे नहीं जा चुके, तो वो ये मान रहे हैं कि उनकी कमी है, उनमें एजुकेशन की कमी है, उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें कमी है, वो सिर्फ अपने बारे में उस सीट के बारे में सोचती है, वो सारा पैसा खाने की कोशिश करती है, इंडिया की गवर्नमेंट पैसा लगाने की कोशिश करती है, इंडिया गवर्नमेंट इंडिया के बारे में सोचती है और पाकिस्तान गवर्नमेंट सिर्फ पाकिस्तान के जो ये बड़े बड़े आदमी हैं ना, जो मतलब जैसे जिसके हाथ में वो है क्या बोलते हैं उसको पावर है, जिसके हाथ में पावर है वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, देश दूश के बारे में नहीं सोचता। वहाँ पे महंगाई बहुत है, वहाँ पे आप देखो पीछे जो मॉल है, मॉल में एन की लाइट भी गई हुई है, इसको पता ही नहीं है भाई साहब कि उसकी एन की लाइट भी गई हुई है, मतलब इतना नहीं है। और अब ये कह रहा है शोएब कि भी अब ऐसा हो रहा है कि जो वहाँ के मदरसे हैं वो एजुकेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर मतलब उनका कहना है वो जो है वो मदरसे ही है, उनका ये है कि भी मैं हम लोग ये चाहते हैं कि वो एजुकेशन भी उनकी प्रॉपर होनी चाहिए, कोई डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, है ना। आप साथ साइड बाय साइड, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ पंडित ऐसे होते हैं, बहुत सारे पंडित ऐसे होते हैं जो भाई पंडित होते हैं लेकिन वो प्रोफेसर होते हैं स्कूल में, कोई कुछ होते हैं, कोई कुछ होते हैं, मतलब अच्छे लेवल पे, और उनको ज्ञान होता है पूरी जो हमारी हिस्ट्री है उसका ज्ञान होता है, और जो आजकल वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसकी नॉलेज होती है। तो पाकिस्तान को ऑब्वियसली हमसे कुछ सीखना ही चाहिए, और ये तो बहुत सही बंदे हैं जो इंडिया की तारीफ करें, तो मुझे तो वो बंदे अच्छे ही लगते हैं जो इंडिया की तारीफ करते हैं या इंडिया की अच्छी चीज़ों में हमें हाँ रखते हैं। मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आप लोग ऐसे लगे प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।